जी सरदार, क्योंकि चलते थे तब पहाड़ी पर। ये कौन है सरदार जी? ये हसीना कौन है ये? सरदार जी, सरदार जी, हो क्या बात है? और मुसीबत के चक्कर कल शायद मुझे नहीं पहचान पाया। नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम? सोनू, मुझे नाम उस दिन से याद है जब आकर तूने मेरी मदद किया था। सोनू, मैं वही श्यामू हूं, हाँ, टाकू मंगल के नाम से जाना जाता हूं। मेरा दोस्त श्यामू? हाँ सोनू। और इस हाल में मेरे यार, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे मोड़ पर तेरी और मेरी मुलाकात होगी। मेरे यार सोनू, सबसे पहले तू ये बता कि कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि जो तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं? मुझे सारा हाल बता सोनू। मेरे दोस्त, उन दरिंदों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म ढाए कि सारे गांव नासूर बनकर कसक रहे हैं। मेरे दोस्त, पहले तो मेरी बहन की इज्जत से खेलना चाहा, उसे हवेली में उठा लिया, और इसके बाद जब हम उसे पैसे इकट्ठे करके छुड़ाने गए तो मेरी माँ को गोली मार दिया। सोनू, यही हाल मेरे साथ भी हुआ है। मेरी बीवी को तुमने बचाया लेकिन उन दरिंदों ने नहीं माने और मेरी बीवी को चांस मार दिया। आज से सोनू खाली वर्दी पहनोगे और मिटा दो उन हरामजादों का नाम और निशान। मेरे यार, उठा लो बंदूक। जरूर जरूर मेरे दोस्त, और आज के बाद हमारी मंजिल भी एक और रास्ता भी एक है। कष्ट पैदा करने वाले की अगर निश्चय नाबूद न कर दिया तो मेरा भी नाम सोना सिंह। आज के बाद रामगढ़ स्टेट में जलजला आएगा और ऐसा जलजला कौन हराम जादों को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। मेरे दोस्त, कहो मेरे यार, काश यहां मेरी मुलाकात तुझसे नहीं होती तो शायद मैं मर गया होता। मेरे दोस्त, और दोस्त माने के बल पर तेरे और मुझको बड़ा ही Thank you.
दिल में ऐसी आग लगी है, जब तक उन हराम जादों के छाती में गोली नहीं दागूंगा तब तक दिल को चैन नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, उठा ले ये बंदूक, हाथ अपने दिल की आग बुझा ले इस रामगढ़ स्टेप पर और मिटा दे इन ठाकुरों का नामो निशान। लेकिन मेरे दोस्त, कदम गलत नहीं उठाना मेरे यार, जहां तेरा पसीना गिरेगा ये तेरा यार वहां खून बहा देगा। कसम है मां भवानी की, कसम है मुझे मां भवानी की, जिस दिन अपने फर्ज से गलत करूं उस दिन ये बंदूक हमारे काम ना आवे। बात है, बहुत आवाज निकलने लगी है, लगता है उस लौंडे का, लगता है रामगढ़ के लोगों ने हास्य नहीं देखा है अभी तक। कहीं अगर वो कहानी दोहरा दिया तो जलजला फैल जाएगा रामगढ़ स्टेट। आ धर्मो सिंह आओ, दोस्त मन कहो मेरे यार, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? गुस्से की बात ही है यार, अगर उस दिन मेरी बहन नहीं आ जाती तो आज सरला मेरी हवेली से नहीं गई होती। शिकार निकल गया पहली बार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हाथों से। दोस्त मन, शुक्र मनाओ कि वो तुम्हारी बहन थी। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता और सरला मेरी बहन होती तो कसम पैदा करने वाले की उसी वक्त हराम चादी के टुकड़े टुकड़े कर दे। बात तुम्हारा बहन का हमारा बहन का छिहत्तर का ही डलते हो का? वो ठीक कहता है, अरे वो बहन किस काम की जो भाई के खुशियों में आग लगा दे। ठीक कहता है, तू क्या करता है? क्या करता तू? हम सारे का फिर मान लो ओहारी लगा घंटा घंटा भर। अरे मतलब यही रहा, घंटा घंटा भर में ड्यूटी की देख रेख करी कि बहनी तुम्हारा चली गई कि अबे है। तू सही कह रहा है, लेकिन यह हम जाए कि तुम्हारा बहनी ना तुम्हारे आगे लगा दी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज के बाद ना तो बहन रहेगा और न धर्मेंद्र प्रताप सिंह के रास्ते का कोई कांटा रहेगा। मैं बहन को बुलवाता हूं और तू मेला देखने के बहाने ले जा उसको और जंगल में हरामजादी को काट कर फेंक दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रख सिंह, जा हमारी बहन पूजा को बुलवा फरन। लेकिन ये राज हम तीनों तक रहना चाहिए। अगर बात हमारी बहन तक पहुंच गई तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा हराम जाने। यानी हुआ इनका नहीं जाए जंगल में दो जन मिलके इनका फिनिश। शाबाश, मोर राय मनी हो बोल। शायद इनका भी मान लो ना मारू। हाँ, हमारे साथ बियाह कही दे तो भाई महू गरीब का घर बस जाइए, तुम्हारो रास्ते से कांटा हट जाए। औकात देखा है, मर जाइए गंगा जी में भगाए वो चील का वो खा। अगर तू हमारे चौखट का नौकर नहीं होता तो ये बात कहने की तेरी जरूरत नहीं होती। चलो भाई, गलती हुई के मैं से आप बैठिए, मैं अभी बुला रहा हूं। बुला उसको। अरे पूजा बुआ, ओ बुआ, बुआ हो बाप रे, तुम तो
तो बिल्कुल बांस का किला हो गए। क्यों इतनी बड़ी रहे जय मकानिया में लाई लेते ना छुले से मरे ऊपर पे साफ कई देती रहे। आज बताओ हम जो तुम तो क्या हमेशा उतनी बुद्धि रहूंगी क्या? अबे तो कलसा का पानी नहीं पाओ नहीं माई का लगता है लाई का टावर हो जाएगी। कोई बात नहीं, ये बताइए किस लिए बुलाए हो? तुमका यही से बुलावा है कि तुम्हारे भैया आज बहुत खुशी है। क्या? हाँ। ऐसे क्या बात है, क्यों खुशी है? अब पता नहीं तुमका खुशी में का दाई दे। सही आपका, तो फिर जल्दी चले। आओ 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 चलो। बहन पूजा जी, भैया आप तो जानती हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हाँ भैया, ये बात तो सही है आपकी। और तुम काफी दिन से हवेली में बैठे बैठे ऊब गई होगी। हाँ भैया, मैं तो बहुत ऊबती रहती हूँ। हमारी खोई से रामगढ़ स्टेट में मेला लगा हुआ है। क्या? मैं तो देखने जाऊंगी। हाँ पूजा, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, तुम धर्मो सिंह के साथ में जाओ। हाँ? और हरामी लाल भी साथ में रहेगा। ये भी रहेंगे? बोल गप्पा, तो मैं खमन हूँ मैं। अरे बहुत मजा आएगा। और ऐसा करना, हाँ? 50,000 रुपया ले लेना मुनीम जी से, खूब ऐश करना मेले में। टेंशन ना ले, जाओ मेला में हमें हमें दिखाब है ना। शाबाश, मैं लाई लूंगी और गट्टे लूंगी, खाते पीते आऊंगी उधरी से। टेंशन ना ले, तुमको तो मैं हुआ माल लियाओ हुसैनगंज के केला खमन। अरे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जाओ आओ चली धर्म सिंह। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, मेरे दोस्त जिंदगी भर, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा और किसी पे विश्वास नहीं करता। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। महसूस होती होगी। हाँ। क्योंकि कभी तुम हवेली के बाहर का मुंह नहीं देखा। हाँ, देखा तो सही बात है। आज हमने सोचा, हाँ, कि क्यों ना तुम्हें हम इस हवेली से बाहर निकालकर तुम्हें घुमाएं, मेला दिखाएं, गंगा स्नान कराएं, ताकि तुम्हारा भी जी बहल जाए। तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। चलो चलते हैं। चलिए चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। एक बात बताऊं? बताइए। मेला में भी जाऊं उतारू हूं ना। अच्छा, शाम के लौट के तो होश में रही, इतना धक्का मुक्की खाए का। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आओ बच्चे आओ। मेला में मजा। देखो हम लोग गंगा घाट पे आ चुके हैं। हाँ, हो कितने गंगा, ये चारों तरफ मेला लगा हुआ, देखिए गंगा किनारे कछुआ कितने बैठ, बहुत भीड़ है। हाँ, ये सुई सा का, हाँ देखिए पहचानिए, मैं तो लग रहा सुई से। हाँ, हो मैं तो ननहन्यो भाई। पूजा ऐसा करो, तुम गंगा स्नान कर लो,
उसके बाद फिर मेला देखे। तुम जल्दी गंगा स्नान करो। भाई तुम नहा लिया, मैं तो ठंडी में नहीं होता है कि छीरिक भर ले हो। नहीं नहीं साथ में तुमको भी रहना पड़ेगा। हाँ हाँ मकाला तुमको वही फिर जाओ, तुम नहाओ जाए, हमें हम तुम्हारा कपड़ा ती के डुबकी लगावत बन जात। यार हरामी लाल, अकेली अपने भाई की बहनी है, मार फुलरा मचढ़ी है, नहीं जाऊं तान चटक चटाओ हमारे घर में आओ तो एक राह पर मैं पूरा दुलार झर। यार क्या बताऊं हरामी लाल, आज पहली बार पूजा को हाँ तो इस तरह देखा हूँ मैं, अभी तक नहीं देखा। अरे भीगे हुए कपड़ों में इतनी हाँ खूबसूरत हसीन लग रही है, तो कपड़ा झुरवा डाऊंगा अभी कसम से, दिल में घंटियां बजने लगी। फिर चलो कोई बात नहीं अभी समझ। अरे देखो भाई हूं तक बात रहा को मेला के बाहर न जाओ, आंख देखने के लिए आई है। हाँ कैसे मेला में, अरे पूजा बहन, अरे देखो समय कम काम ज्यादा है और दूर का सफर भी है, जल्दी करो। गंगा नहीं नहाते हो तुम? अरे ये ठंडी भरम खिचड़ी में नहीं नहाओ तुम, गंगा की बात करो तुम? ये बात है पूजा, तुमको नहा को नहा लियो, देखो गंगा स्नान हो गया। नहा ली हूं। यहाँ पे मेला कम अच्छा लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं अच्छा लगा है। यहाँ से चलते हैं 2 किलोमीटर आगे। अच्छा वहाँ पे और अच्छा लगा होगा। 2 किलोमीटर के बाद इतना अच्छा मेला है, अरे सामान तो देखती ही रह जाओगी। चलो चलते चलियो, कहीं जाने का ही हर माल 10 रुपया 10 रुपया। अरे बहुत ये तुम कहाँ ले जा रहे हो? ये तो जंगल है। अरे जंगल है, रास्ते में जंगल नहीं पड़ता, क्या क्या नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ बात सही है, जंगल नहीं पड़ता है। जंगल से तुम्हें कौन सा डर? मुझे शेरों से बहुत डर लगता है। जंगल में तो मेला बढ़िया गढ़ात। हाँ। जंगल में मेला गढ़ाता है? अरे बहुत मजा आएगी, चलो फरिश्ता सब आई है वही। अच्छा हाँ आओ, एक काम करो। बताओ। मैं यार पूजा से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो बातचीत करो ना, हमसे का एलर्जी? तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा छुप जाओ जाकर साइड में। कहे यार कौन कान की बात करियो कि हम छिपा हुआ। अरे समझा करो थोड़ा सा। है? अरे कुछ ऐसी बात करना है हाँ? कि हो सकता है तुम्हारी वजह से बात ना हो पाए। अच्छा हाँ, तो ये जो तुम हरामी पाना करो तो हम सब बकरी चरावत के छाड़ दी। हरामी लाल बात मानो, फिर तुमको सारी बात बताऊंगा, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है अच्छा बातचीत करो, मजा तू। हाँ ठीक है जाओ। अभी मेला नहीं आया ना, थोड़ी दूर रह गया, और जल्दी चलते चलते भी मेला आ जाएगा। अरे क्यों चिंता कर रहे, तुम तो लपसी के जैसे चाट रहे, जल्दी जल्दी करो। अरे जल्दी का काम शैतान का होता है। अच्छा अरे हम तो आराम से काम करने वाले। बात मैं समझी नहीं हूँ तुम्हारी। पूजा बताइए, तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे यहाँ पर किस लिए लाया? यहाँ पे किस लिए लाए तो मुझे नहीं मालूम है। तू अपने भाई धर्मेंद्र सिंह को बहुत चाहती है ना? बहुत चाहती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कि सिर्फ मेरे एक भैया हैं और उनके लिए मैं एक छोटी सी प्यारी सी एक बहन हूँ। लेकिन वो तुझे नहीं चाहते। क्या वो तुझसे नफरत करते हैं? ऐसा क्यों? ये बता
तू अपने भैया के किसी काम में रुकावट बनी थी क्या? हाँ हाँ याद आया बनी थी लेकिन मैं आपसे वो बात बता नहीं सकती हूँ। अरे बताएगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम है तेरा भैया यहाँ मेरे साथ क्यों भेजा है? क्यों? तुझे जान से खत्म करने के लिए, तेरा कत्ल करने के लिए। क्या मुझे? हाँ। और मेरे भैया? आखिर क्या ऐसे काम किया तुमने? वैसे तो कोई काम नहीं किया हूं। उजा अब तू यहां से जिंदा नहीं जा सकती। क्या? क्योंकि मैं तुझे यहां मारने के लिए लाया हूं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। पूजा अगर तू हमारी बात मान ले, हाँ मैं वादा करता हूं तेरे भैया को खबर नहीं चलेगी, तेरी जान भी बच जाएगी। नहीं 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 मैं मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं मैं जा रही हूँ मरने के लिए। तैयार? नहीं 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 अगर भागने की कोशिश की तो समझ ले एक ही बार मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। नहीं 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 बोल, मेरी बात मानेगी कि नहीं? क्या बात है? पूजा मत रो पूजा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी जान बचाऊंगा, तेरे भैया को खबर भी नहीं होगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा तुझे। अरे पूजा बाड़ी के अंदर, अरे मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी बात नहीं, पूरी बात तो सुन ले। अरे पूजा बाड़ी के अंदर, अरे छुपाए खड़ी है पूजा दुई दुई अनरवा। नहीं मानेगी।
मैं समझ गया, तो सीधे साधे मेरी बात नहीं मानेगी, आज मैं जबरदस्ती जबरदस्ती तेरे इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। मैंने तेरे भाई की गुलामी करते हुए मुद्दत तो बीत गई, ना जाने इस इलाके के कितनी भी बहन बेटियों की इज्जत तेरे भाई के कदमों के तले रौंदा डाला, लेकिन धर्मों को क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आज उसके वज में आज मैं उसी जमींदार धर्मेंद्र सिंह की बहन के साथ थोड़ा सा मजा ले लूंगा तो क्या नुकसान? ये बताओ, तुम भैया हम तो जान गए तुम डाकू हो, हाँ? लेकिन ये बताओ तुम ये कहाँ ले आए हो? क्या लेने आए हो? हाँ हाँ बताओ, तुम दोनों की जान ले ले। आखिर बात क्या है ये तो बताइए हो। कैसा है? अरे अकेली लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती और हमारे यहाँ इसकी बखूबी सजा मिलती है। या लड़की की बात करत हो का? और क्या? या भाई या लड़की ना हो जाने के बारे में तुम कुछ जानत हो का? क्यों? क्या बताना चाहता है? या हमार औरत या यार तेरी? ये हमार ससुर है। दरअसल मैं हम दारू वारू बहुत पीत रहा है, मेहरिया का रोज मारा करित रहा है, तो लड़ाई करके चली आई अपने पापा के लगे। अभी कहा था बिटिया चली जा, बिटिया चली जा, बिटिया हमारे साथ जाए कर राजी नहीं ना, वही मैं धाव धप पड़ा शुरू रहे तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसका भी फैसला हुआ जाता है? तुम भी यार देवी जी कौन है आपको बता दे, हम तुम्हारा आदमी है? ये मेरे कोई नहीं है। हा? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसी बात कर रही है? ये अपने घर के आदमियों को भी नहीं पसंद? क्यों बे? तुम्हारे पापा है बेटी। साले हराम जादे, कहा सोने का तालाब, कहा काना बकुला। कहा जा रहा है? ये बताओ तुम कौन हो? अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं तो तुम्हें हराम जादे, तेरी खुद की मां तेरे सामने खड़ी है और फिर भी पूछ रहा है कि तुम कौन हो? देख, आँख खोल और पहचान, इस वक्त तेरे सामने तेरा काल डाकू सोना सिंह खड़ा है। सोना सिंह, अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ।